आइए चलते हैं आगे। सब्स्टिट्यूशन खत्म होने के कगार पर है। एनजीपी के कुछ क्वेश्चंस होमवर्क में थे और लास्ट में एक सेगमेंट हमने किया था, ये सेगमेंट था आपका क्लीवेज ऑफ ईथर। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और चैप्टर की के इंटरेस्ट और इम्पोर्टेंस को देखते हुए हमें इस पर बहुत ध्यान देना है। तो मैं आपको क्वेश्चन करा देता हूँ, जो क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए थे। ठीक है, तो ये एस एन एन जी पी के क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर एट जो है ये बिल्कुल सेवन के जैसा है, बिल्कुल सेवन के जैसा है। आपको याद होगा यहाँ बेंजीन का एनजीपी हो जाएगा एंड वी वुड गेट टू आंसर CH2 CD2 OH। एंड इन सेकेंड प्रोडक्ट क्या होगा बताओ, CD2 रिंग से लगा होगा। इसकी मैकेनिज्म बिल्कुल आप क्या करेंगे, सेवेंथ की मैकेनिज्म की तरह करेंगे। सेवेंथ में OME लगा हुआ था तो वो नो डाउट बेहतर एनजीपी करेगा, ये भी करेगा, रेट में थोड़ा कम ज्यादा होगा बट दोनों एनजीपी करेंगे। नाइन्थ इज वेरी क्लियर, आंसर लिख देता हूं। आंसर इन बोथ केस आइदर इट्स अ नाइन्थ ए एंड बी। मैंने आपको बोला था एक सल्फर वाला जो है दैट इज व्हाट, ये थोड़ा सा एक कार्बन और है इसमें, ओके, तो ये मस्टर्ड गैस होता है, सल्फर वाला जो है मस्टर्ड गैस होता है। एंड योर आंसर इज सिमिलर, Cl वुड बी सब्स्टिट्यूटेड बाय ऑक्सीजन, Cl वुड बी सब्स्टिट्यूटेड बाय OH, क्लियर। एंड इट्स वेरी क्लियर कि बी का रेट आस ए से ज्यादा होगा ड्यू टू मोर न्यूक्लियोफिलिक सल्फर। मस्टर्ड गैस की हाइड्रोलिसिस करस्पॉन्डिंग ऑक्सीजन वाले कंपाउंड से बहुत ज्यादा फास्ट होती है, ऐसा सल्फर की ज्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी की वजह से होता है। और बिकॉज आपको पता है एनजीपी क्लियर, बट सल्फर वुड वी हैव इवन मोर लाइक मोर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, दैट्स वाई। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, हमने कुछ मैकेनिज्म्स बहुत अच्छे तरीके से की हुई हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 10, इट्स अ गुड क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन मैं याद दिला देता हूँ आपको, इट्स अ एसीटेट, इट्स अ टोसाइलेट एंड ऑन एरो अगेन सोडियम एसीटेट, क्लियर। सो नाउ यू कैन क्लियरली थिंक अबाउट, ध्यान से सोचें, वैसे तो इस कंपाउंड में दोनों लिविंग ग्रुप है बट रिलेटिव लिविंग टेंडेंसी पर अगर ध्यान दिया जाए, तो आपका टोसाइलेट बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है। एसीटेट को मैंने ओपन करके लिख दिया, टोसाइलेट जो है वो बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है। तो मेरे भाई आप ये भी देख सकते हैं, इट्स अ लिविंग ग्रुप और ये डाउन साइड है, तो इसका एंटीबॉन्डिंग आप होगा अपसाइड और अपसाइड आप देख सकते हैं ये ग्रुप लगा हुआ है, तो इसका ऑक्सीजन इट वुड अटैक, ये एंटी है, दे बोथ आर एंटी, दैट्स वाई ये इसे हटा देगा, जिसकी वजह से आप देखें TSO माइनस ये बाहर। अब बनने वाली चीज को बहुत ध्यान से देखें, आप इस ऑक्सीजन ने भी अप से अटैक किया, ये ऑक्सीजन क्यों अटैक कर रहा है, क्योंकि इसका लोन पे डीलोकलाइज्ड है, उसका लोकलाइज्ड, इसलिए ये अटैक कर रहा है। और अब आप जरा ध्यान से देखेंगे तो दोनों तरफ ऑक्सीजन वेज से ही लगा होगा क्योंकि ऊपर से अटैक कर रहा है। रही बात आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की, तो आप ऐसे बना सकते हैं, आप इसका एक और RS बना सकते हैं। जब आप इसका एक और RS बना सकते हैं उसमें आप देखें, आप ये बनाएंगे, क्लियर। लेकिन अगर आप ध्यान से समझें तो ये एक मीजो कंपाउंड है, केटायन है बोल सकते हैं आप, क्योंकि आप देखें इसमें ऑक्सीजन ये CH3 आइडेंटिकल RS हैं, बहुत आइडेंटिकल RS, तो यहां पर देखें प्लस घूम रहा है, तो इट्स अ मीजो केटायन, मीजो इंटरमीडिएट, ये एक मीजो इंटरमीडिएट है। और आपके पास एक न्यूक्लियोफाइल जो बाहर से आ रहा है दैट इज नन अदर देन एसीटेट आयन, ये दोनों अप हैं,
तो आपका एसीटेट इधर नीचे से अटैक करेगा तो ये खुलेगा। मेरे भाई बहुत क्लियरली देख सकते हैं, अगर एसीटेट यहाँ नीचे से, ऑब्वियसली ये ऊपर है तो नीचे से अटैक होगा, तो अगर एसीटेट नीचे से अटैक करेगा तो ये खुल के इधर एसीटेट बन जाएगा, तो आप बहुत आराम से देख सकते हैं ये। और अगर इधर आपका ये एसीटेट इधर नीचे से अटैक करता है तो ये खुलेगा, तो बहुत क्लियरली आप देख सकते हैं। रेशमिक मिक्सचर, रेशमिक मिक्सचर, ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 10 का। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 का ही आंसर है। सारे लोग देख लें, क्वेश्चन नंबर 10 का ही आंसर है। मैं हटा देता हूं, ये सेगमेंट हटा देता हूं। चले आइए, करते हैं क्वेश्चन नंबर 11th। 11th इज इजी मेरे ख्याल से। यहाँ न्यूक्लियोफाइल है आपका, जो भी वाटर या NaOH है, सो ये इंटरनल न्यूक्लियोफाइल हो गया और ये अटैक करेगा और Cl बाहर हो जाएगा, इसके एंटी बॉन्डिंग पे अटैक करेगा। सो आपको दरअसल एक बहुत सुंदर कैटायन मिलेगा, बहुत सुंदर कैटायन मिलेगा। एंड दिस टाइम आपका ये साइक्लिक पार्ट कोई NCC नहीं है। हर बार क्या होता है, आपने अभी तक जो किया उसमें एक NCC टाइप की चीज़ बनती है या कोई लिविंग टेंडेंसी वाली चीज़ साइक्लिक सेगमेंट का हिस्सा होती है, तो बाहर वाला न्यूक्लियोफाइल इसे सब्स्टिट्यूट कर देता है। बट इट्स क्वाइट ईजी वेदर यू आर यूजिंग वाटर और OH-, सो आई थिंक यूड गेट 3 डिग्री एल्कोहल, 3 डिग्री एल्कोहल आ जाएगा। देख लें, आसान है। 12th, सिमिलरली 12th को देखें, 12th क्वेश्चन, ये Cl है, ये मिथाइल है। नाउ लुक एट दिस इज इंटरनल न्यूक्लियोफाइल और ये एंटी बॉन्डिंग है, तो बताइए क्या होगा, बताइए क्या होगा, ये NGP कर देगा, डिसोसिएशन। आपने क्या किया था, यू वर हीटिंग इट, तो आपको एक NCC मिलेगा और इस NCC को आप ध्यान से देखें, इट्स अ काइंड ऑफ क्वार्टनरी सॉल्ट, इट्स अ काइंड ऑफ क्वार्टनरी सॉल्ट, ओके, इट्स अ NCC। सो लेट्स मूव अहेड। अगर आप ध्यान से देखें तो चार जगह एंटी बॉन्डिंग होगा, एक इसका एंटी बॉन्डिंग होगा, एक इसका एंटी बॉन्डिंग होगा, एक इसका एंटी बॉन्डिंग होगा और एक इस कार्बन पर एंटी बॉन्डिंग होगा, क्लियर। सो यू Cl कैन अटैक एट एनी ऑफ द प्लेस, कहीं भी अटैक ये कर सकता है। तो आपको ये समझना है, ध्यान से समझे, मैंने 6 की रिंग दी थी या 5 की रिंग दी थी, ओके। सो यहाँ प्रॉब्लम ये है कि देखिए, अगर सीएल यहाँ अटैक करता है और ये तोड़ता है तो 3 की रिंग सिस्टम में रहेगी। सीएल अगर यहाँ अटैक करता है ये तोड़ता है तो भी 3 की रिंग रहेगी। सीएल यहाँ अटैक करता है इसे खोलता है तो रिएक्शन पीछे चली जाएगी। सो आई थिंक देयर इज ओनली वन पॉसिबिलिटी जिसमें ये हो सकता है। तो यहाँ पर मैंने कार्बन एटम थोड़ा सा देते समय ध्यान नहीं दिया, तो आप देखें 7 की रिंग आ रही, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसका आंसर शायद ये आ रहा है। बहुत आसान है, आपको क्या करना है, Cl यहाँ अटैक करेगा और ये बॉन्ड तोड़नी है, ये बॉन्ड टूटेगी, बाकी सब कुछ वैसे रहेगा, यू वुड गेट दिस आंसर। क्वेश्चन में 5 की रिंग कर लें अगर हम, तो 6 की रिंग आंसर आ जाएगी। वैसे ये आंसर है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। 13th, सेम तरीके से 13th, ये दिया हुआ है सल्फर और यहां दिया हुआ है क्लोरीन। आप देख सकते हैं सल्फर ऊपर की तरफ है और Cl डाउन की तरफ है, ये डाउन नहीं, डैश वाला डाउन, तो डेफिनेटली ये अटैक करके इसे हटा दे। अगर ये इसे अटैक करके हटा रहा है, NaOH दिया हुआ आपको, तो आपको इधर क्या मिलेगा, आपको एक ऐसा NCC मिलेगा। और सच बताना, इसे देख के तुम थोड़े बता पाओगे कि Cl कहां लगाता है, यहां लगाता है, यहां लगाता है, यहां लगाता है। हो सकता है Cl यहां लगाता, इसने अटैक किया, हो सकता है यहां लगाता, इस सल्फर ने अटैक किया, वहां हो सकता है वहां लगाता, इस सल्फर ने अटैक किया। तो मेरे भाई, वी हैव NaOH इन क्वेश्चन, NaCl निकलेगा एंड दैट OH- कैन ओपन दिस NCC फ्रॉम 3 साइड। यहाँ नीचे से अटैक करे ये खुल जाए,
मैं तीनों बना देता हूं फिलहाल। OH यहां टैग करें, उस समय ये आंसर मिलेगा आपको। एक क्वेश्चन ये है कि यहां टैग कर जाए OH तो आपको ये आंसर मिलेगा, और एक है कि OH यहां टैग कर जाए इस जगह पर। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए हैं कि मेजर आंसर जो होगा ये लास्ट वाला होना चाहिए, क्योंकि यहां पर रिंग स्ट्रेन एंगल स्ट्रेन नहीं है जितना कि फर्स्ट दो में है। तो मेजर प्रोडक्ट बनाना है तो लास्ट वाला बनाएंगे। 14 और 15 बिल्कुल वैसा क्वेश्चन है जैसे हमने थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्वेश्चन में किया था। ओपन चेन है तो फिसर दिया है, विजन डैश बना के करें। मैं एक क्वेश्चन चालू करके बता देता हूं तो आप दूसरा कर लीजिएगा, ठीक है? यही कर लेते हैं, हटा लेते हैं आज। आइए, दिस क्वेश्चन इज लाइक OH एंड BR है, क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे, ठीक है? 14 OH BR HH CH3 एंड HBR। समटाइम्स हमें जो लगता है वैसा होता नहीं, इसलिए बहुत ध्यान से और तसल्ली से क्वेश्चन करना। चलो पहले इसे बना लेते हैं। ये CH3 है, ये H है, ये BR, ठीक है? ये H है, ये OH है, और ये आपका CH3 है। चलो इसे अपने मन मुताबिक बनाते हैं। BR एंड OH अपोजिट कर लेते हैं। दिस इज योर BR, ओके, एंड दिस इज योर OH। तो मेरे ख्याल से बहुत क्लियर है। BR को नीचे लाना है तो क्लियरली आपने 120 डिग्री ही घुमाया होगा। तो मिथाइल कहाँ जाएगा, आप साफ साफ देख सकते हैं। फिर मिथाइल कहाँ जाएगा, ऐसे घुमाओगे तो मिथाइल यहाँ आ जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा। और OH को अगर ऊपर ले जाना है तो मात्र 60 डिग्री घुमाना है। तो अगर आप इसी सेंस में सबको घुमाते हैं तो क्या आप समझ पा रहे हैं, मिथाइल बाहर आ जाएगा और H अंदर ही रहेगा। ये तो क्वेश्चन है, ठीक है? और आपने HBR में H+ डाला, अब बताओ H+ किधर जाएगा, H+ किधर जाएगा, OH पर जाएगा। तो ये क्या बन गया, OH2+। इसीलिए मैं कह रहा था ज़्यादा अकल मत लगाना। आप जिसे लीविंग ग्रुप समझ रहे थे, दरअसल वो अब न्यूक्लियोफाइल लग रहा है। जिसे आप लीविंग ग्रुप समझ रहे थे वो अब न्यूक्लियोफाइल लग रहा है। लीविंग ग्रुप वाटर, ये इसका एंटीबॉन्डिंग, और BR ने अटैक किया और ये हट गया, BR ने अटैक किया और ये हट गया। मेरे भाई क्लियर कट NCC मिल रहा है आपको, नहीं दिख रहा है तो ध्यान से देखो। यहां मिथाइल है और यहां मिथाइल डैश में देख सकते। दिस इज योर नॉन क्लासिकल कैटायन। और अब हम इस पे BR- अटैक कराएंगे, हम इस पे BR- अटैक कराएंगे। तो एक और चीज मैं याद दिलाता हूं, ऐसा नहीं लग रहा कि तुमने ट्रांसब्यूटुइन पर BR2 डाला है, ऐसा नहीं लग रहा कि तुमने ट्रांसब्यूटुइन पर BR2 डाला है। ट्रांसब्यूटुइन पर जब तुम BR2 डालोगे तो अलग बात है कि NCC इसके साथ इसकी मिरर इमेज भी बनेगी, बट फाइनल आंसर सेम होने वाला है। ये दोनों सेंटर सेम है, हमने कल ही किया हुआ है यार, सब परेशान मत हो। 1, 2, 3 इट्स R एंड इट्स एक्चुअली R, बोथ आर R एंड ट्रांस प्लस NT आंसर वॉज एराइथ्रो। ये आंसर, ये आंसर है। तो अगले वाला जो क्वेश्चन है 15, तो उसमें दो आंसर आएंगे। यहां एराइथ्रो आया है, वहां पक्का 3 आएगा। सो 15th क्वेश्चन में आपका जो भी क्वेश्चन था, यहां OH था, यहां BR था, और ये CH3, ये CH3 और HBR, प्लीज इसे कर लेना। ये आएगा आपका 3O, पक्का 3O आएगा। ये CH3, ये CH3 प्लस मिरर इमेज, ये 15th होगा आपका। 16th इज लाइक बहुत आसान है, 16th में कुछ नया नहीं करना था। 16th में ऐसा देखा जाता है कि इसका, इसकी हाइड्रोलिसिस
उम्मीद से थोड़ा फास्ट होती है. सो व्हाट इज बिलीव्ड, ये सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करते हैं, इंटरनल न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करते हैं, एंड दिस इज योर लीविंग ग्रुप. सो व्हाट वी एक्चुअली गेट इट, सिग्मा रेजोनेंस के टाइम, क्लियर. सो एट विच क्या होगा, वाटर वुड अटैक एंड यू वुड गेट इट व्हाट, दिस इज आई आंसर, दिस इज आंसर. सो एक्चुअली इस रिएक्शन में हाइड्रोलिसिस का रेट सिंपल जो रेट एक्सपेक्ट किया जा रहा था उससे थोड़ा ज़्यादा आता है, और उससे ज़्यादा आने की वजह से आप ये एक्सप्लेनेशन देंगे तो कहीं ना कहीं सिग्मा बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी एनजीपी कर सकते हैं. आईटी में सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा, बट ये फैक्ट एग्जांपल है. 17 और 18 में रेट है, रेट ऑर्डर कंपेयर कर लें अगर 17th एंड 18th में, तो मैं बताता हूँ कि 17th में रेट ऑफ 17th ग्रेटर देन रेट ऑफ 18th आएगा. रेट ऑफ 17th ग्रेटर देन रेट ऑफ 18th आएगा. मैं वजह भी बता देता हूँ क्या है मेरे भाई. अगेन लुक एट दिस सीएल, इसका एंटी बॉन्डिंग इस साइड आएगा, और यहां देख सकते हैं इस साइड में पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, पी ऑर्बिटल्स होंगे, तो ये इंटरनल न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेंगे और सीएल को लीव कराएंगे. तो आप देख सकते हैं इसका आंसर जो आएगा वो मैं रिटेन्ड ही रख रहा हूं. ये पाई इलेक्ट्रॉन्स केवल एक साइड हिंडर्ड करते हैं, दे एक्चुअली इंट्रैक्ट फ्रॉम वन साइड, यू कैन से एक तरीके से लॉक कर लेते हैं एक साइड, ताकि जिस साइड से लिविंग ग्रुप हट के गया है बाहर वाला न्यूक्लियोफाइल उसी साइड से अटैक करे. दूसरे का भी आंसर यही कर लेना, बट ये इसका रेट काफ़ी ज़्यादा होगा क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन्स लूज होते हैं और आसानी से हम यूज कर सकते हैं. आउट ऑफ दीज 17-18 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में और एक्स्ट्रा कराना चाहता हूँ आपको अभी इसी समय. ये हटाऊंगा मैं, पहले मैं हटा रहा हूँ. क्या है ये देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19. ये नया क्वेश्चन, दिस इज नॉट होमवर्क एक्चुअली. ये 19 क्वेश्चन कहाँ लिखेंगे हम, SNNGP में लिखेंगे. This is NH2 and this is COOH. It's an amino acid. और इस पर मैंने आपको दे दिया NaNO2 aqueous HCl. Clear? NaNO2 aqueous HCl. तो आपको अगर याद हो तो रिएक्शन मैकेनिज्म में हमने एक रिएक्शन पढ़ी थी डाई एजोटाइजेशन, पिनाकोल टू पिनाकोलोन के जस्ट बात पढ़ी थी डाई एजोटाइजेशन. क्लियर, अगर वो भी नहीं याद आ रहा तो लीविंग ग्रुप में हमने पढ़ा था कि NH2 को लीविंग ग्रुप कैसे बनाते हैं. तो एक सुपर लीविंग ग्रुप होता था N2+, वो NH2 को हम NaNO2HCl से बनाते थे. लेकिन अब जरा थोड़ा तरीका सोचना, ये है आपका NH2 और ये है आपका COOH. एज यू यूज्ड NaNO2HCl aqueous HCl, व्हाट हैपेंस एक्चुअली, NH2 लीविंग ग्रुप में कन्वर्ट होता है N2+, क्लियर, बट इट इज गिवन विद अ फिक्स कॉन्फ़िगरेशन, फिक्स कॉन्फ़िगरेशन के साथ दिया गया है वेज में. एंड इन एक्वस कंडीशन, यू वुड गेट इट कि एसिड जो है वो सॉल्ट फॉर्म में रहेगा, इट्स सम सॉर्ट ऑफ ज्यूटर आयन. सो नाउ द कॉन्सेप्ट इज कि आपका ये जो N2+ है ये जब निकलेगा तो असिस्टेंस कर देगा इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक साइट, असिस्ट कर देगा, क्लियर. और आपको जो मिलेगा इट वुड बी समथिंग लाइक ओ एंड दिस इज लाइक, थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको, डैश डैश डैश. ओके नाउ सिंस वी आर यूजिंग वाटर है हमारे सिस्टम में, आपको याद भी हो डायजोटाइजेशन का फाइनल आंसर एल्कोहल ही आता था. सो वाटर वुड अटैक फ्रॉम विस साइड, ये तो डैश है तो वाटर अटैक करेगा फ्रंट साइड से और इसे वापस खोल देगा. सो वॉट वुड यू गेट, यू वुड गेट OH2+, ध्यान से देखें ये मिलेगा, और ये मिलेगा वेज पर ही, याद रखना वेज पर मिलेगा. तो अब आप देखें इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन एक्सचेंज होगा,
यू जस्ट गेट इट अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड विद सेम कॉन्फिगरेशन एज जस्ट लाइक इन कैशियम, देख सकते हैं आप. ओके, सो यू कैन हैव दिस कैशियम योर थ्योरी कॉपी. ओके, सो नाउ मूविंग अहेड, इस सीट में मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे आपको, आप लेकिन थोड़ा सा हम एलिमिनेशन के एक दो लेक्चर होने के बाद अब सीट के क्वेश्चंस हम करेंगे. ठीक है, एलिमिनेशन के कुछ क्वेश्चन करने के बाद हम सीट के क्वेश्चंस करेंगे, एक दो लेक्चर हो जाएंगे. तो आइए, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था थ्योरी की पार्ट बात करें अगर, तो वो था क्लीवेज ऑफ ईथर. और क्लीवेज ऑफ ईथर में हमने बड़ा मजेदार काम किया था, आपने अगर रिवाइज किया है, कोल्ड एचआई मतलब हमें एक एचआई लेना था और उससे रिएक्शन करानी थी. हॉट एचआई का क्या मतलब था, एक्सेस ऑफ एचआई. ठीक है, जब तक रिएक्शन होगी एचआई के साथ तब तक हम रिएक्शन को कराएंगे, ये हॉट एचआई का मतलब था. अच्छा, आपने देखा कि जब ईथर सिमेट्रिकल था तो बहुत कॉम्प्लिकेशंस नहीं थे, लेकिन जब ईथर अलग अलग था, ऑक्सीजन के लेफ्ट अलग था राइट अलग था, तो पॉसिबिलिटीज दो दो आ रही थी. और फिर हमने एक ऐसा ही ईथर लेकर एक रिएक्शन करी, करी थी या नहीं करी थी, बोलिए बोलिए, याद है आपको लास्ट आर ओ आर डेस. और हमने उस रिएक्शन में मैकेनियम में कुछ ऐसा दो डायरेक्शन वाला एरो बनाया था, और मैंने बोला था एच आई ने पहले एच प्लस ने प्रोटोनेट किया, मैकेनियम आपकी कॉपी में हमने पिछली क्लास में पढ़ा. फिर मैंने कहा था अगर आर और आर डेस कोई भी 3 डिग्री नहीं है तो मैकेनियम SN2 चलेगी, और आई किस पर जाएगा, छोटे वाले पर, और अगर कोई भी 3 डिग्री है तो जल्दी से खटाक से डिसोसिएट हो जाएगा, तो केटायन किस पर बनेगा, बड़े वाले पर, और आई उस पर लगा देना. तो मेरे भाई हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था, अब हम इसके आगे चलेंगे, ये हटा रहा हूं. एक रिएक्शन भी मैंने लिखी थी, ईथर कभी बेसिक मीडियम में नहीं टूटते, तो उसी के आगे चल रहे. आर ओ आर मेरे भाई NaI या फिर कोई भी हैलाइड ले लो, आंसर क्या है, नो रिएक्शन, क्योंकि ईथर लिविंग ग्रुप नहीं है. और वहीं पर जब मैंने आपको बोला था कि आप HI ले लें तो H लिविंग ग्रुप बना देता है, इन दैट केस यू वुड गेट ROH एंड RI. क्लियर, सो आगे बढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चंस करेंगे. जैसे मेरे भाई मैंने छोटे छोटे क्वेश्चन दिए आपको, CH3 O CH3, जस्ट पुट 18 ओवर ऑक्सीजन, क्लियर, 18 ओवर ऑक्सीजन. इसका कोई मतलब मैकेनियम में कोई रोल नहीं है, बस ये हमें बताता है कि कौन सा ऑक्सीजन कहाँ गया, आपको इससे कोई टेंशन नहीं है, ये ऑक्सीजन जिस कंपाउंड में बस उसमें ऊपर 18 लिखते रहना. ठीक है, सो मैं कुछ क्वेश्चन लिख देता हूँ पहले, CH3 O CH2 CH3, अगेन इट्स 18, ठीक है, 5 CH3 O CH3 CH3 इट्स 18 एंड इट्स HI, 6 CH3 O CH3 CH3 इट्स 18 एंड इट्स HI, 7th इज अ गुड क्वेश्चन, O CH3 एंड अगेन इट्स 18. आई इन क्वेश्चंस को पहले मैं लिख लेता हूं ताकि हम फिर सारे एक साथ खटाखट कर ले, बहुत अच्छे क्वेश्चंस भी हम इसमें करने वाले. Okay, so this is 18, 12, ऐसे बहुत सारे केसेस हम बना सकते हैं. ठीक है, लाइक ईथर में ऐसा भी बना सकते हैं. आइए,
द कॉन्सेप्ट इज सेम कि पहले H+ ने क्या किया होगा, इससे प्रोटोनेट किया होगा, प्रोटोनेट करने के बाद अब आप मिथाइल मिथाइल देखें तो आपको पता है इसमें कोई भी 3 डिग्री नहीं है, तो SN2 होगा एंड सर सिमेट्रिकल केस तो कोई इश्यू नहीं है, आई अटैक करेगा ये हट जाएगा, सो योर आंसर वुड बी क्लियरली दिस प्लस CH3I, बहुत क्लियर कट आंसर। नाउ लुक एट फोर्थ ऑप्शन को, तुम प्रोटोनेट करोगे H+, अब फिर कोई 3 डिग्री नहीं है तो मैकेनियम कौन सी लगेगी, SN2, तो आई माइनस इथाइल पर अटैक करेगा या मिथाइल पर अटैक करेगा ये आपको सोचना पड़ेगा, एंड ऑब्वियस आंसर इज कि वो मिथाइल पर अटैक करेगा, क्योंकि आपको पता है SN2 छोटे वाले पे बढ़िया होता है, आफ्टर प्रोटोनेशन ऑफ दिस मिडिल ऑक्सीजन ओके द ओरिजिनल रिएक्टेंट वुड हैव अ लीविंग ग्रुप, अ लीविंग सेगमेंट, तो इस पर अटैक करके इसे हटा देगा, तो आप देखें आई किसके साथ, आई किसके साथ, छोटे वाले के साथ या बड़े वाले के साथ, सोचो सोचो आई किसके साथ, आयोडीन किसके साथ, छोटे वाले के साथ या बड़े वाले के साथ, आंसर है छोटे वाले के साथ, सो आई छोटे वाले के साथ, यहां मैं आंसर लिख देता हूं, आई छोटे वाले के साथ, और बड़े वाले के साथ है अल्कोहल, वो भी ब्रांडेड बोले तो 18, सो आई थिंक आप कर लेंगे ऐसे सारे क्वेश्चन को कर लीजिएगा। नाउ लुक एट सेवेंथ इज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमने जो जो कर लिया है उस पर मैं मार्क कर देता हूं, सेवेंथ इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेवेंथ ऐसा क्वेश्चन है कि यही वापस आ सकता है, चलो बताओ इसे प्रोटोनेट किया आपने मैकेनियम में H+ डाल के, नाउ थिंक इस कार्बन पर और इस कार्बन पे, मेरे भाई इस कार्बन पे ना SN1 हो सकता है ना SN2 हो सकता है, सो द ओनली पॉसिबिलिटी जो आप रखोगे वो रखोगे यहां और ये बॉन्ड तोड़ोगे, तो मेरे भाई ये आपको मिलेगा ब्रांडेड फिनॉल, ब्रांडेड फिनॉल, देखो देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपको मिलेगा CH3I, क्योंकि आपको याद है कार्बन ऑक्सीजन बेंजीन के से जुड़ा हुआ, यहां तो ना SN1 हो सकता ना SN2, बिकॉज आपको पता है रेजोनेंस कर रहा होता है, दैट्स व्हाई, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए ये यूनिक आंसर आएगा, इट्स अ यूनिक सेट ऑफ आंसर, फिनॉलिक ऑक्सीजन इज 18 एंड प्लस CH3I। नाउ यू थिंक अगेन तुम इस बॉन्ड को नहीं तोड़ सकते, इसे नहीं तोड़ सकते तो इसी को तोड़ पाओगे, इसे तोड़ोगे तो 18 इधर जाएगा एंड व्हाट वुड यू गेट, OH18 प्लस व्हाट, 1I इज देयर, यहां I लग जाएगा। Now you can clearly find it and think about ninth का answer. Ninth का answer बताओ। इधर भी क्या है? ये carbon and oxygen, benzene वाला है। So मेरे भाई, no cleavage of ether. अरे नहीं टूटेगा। ये acidic medium में भी नहीं टूटेगा। समझदार के लिए काफी सारा। Same, and ठीक है, बाकी आप करना, देख लो वो ईथर नहीं टूट पाएंगे, सुन लो मेरे भाई नहीं टूट पाएंगे। मैं कुछ क्वेश्चंस और लिख देता हूं, लाइक मैं हटा देता हूं, लाइक 14th क्वेश्चन ले लेते हैं, MeHDO MeHETHI, ओके 15th करते हैं, हम पढ़ रहे हैं ईथर क्लीवेज, तो ईथर क्लीवेज में हमने बहुत सारे केसेस कर लिए हैं, नाउ लुक एट दिस केस, आप जरा ध्यान से देखेंगे तो कुछ केसेस ऐसे हैं जहां इस बात का फर्क पड़ता ही नहीं कि तुम कोल्ड HI ले रहे हो या हॉट HI ले रहे हो, इस बात का फर्क नहीं पड़ता, लाइक मैं क्वेश्चन देता हूं आपको, ठीक है, और मैंने आपको दिया कोल्ड HI और ये है हॉट HI, ठीक है, यहाँ फर्क पड़ेगा, यहाँ डिफरेंट प्रोडक्ट आएगा, बट 15th में यू वुड गेट सेम आंसर,
क्योंकि यहाँ कभी कोई रिएक्शन हो ही नहीं पाएगी। आप देखिएगा, करिएगा इसे, आपको MEHDO ME, ये अच्छा क्वेश्चन, HET ऊपर वाला क्वेश्चन ही मैंने उठा लिया है, ये भी करिएगा, अच्छा है, आपको मजा आएगा। नाउ थिंक अबाउट सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस, 18th, ये क्वेश्चन आपको थोड़ा ध्यान से क्या, आप मतलब कॉन्सेप्ट कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लुक एट दिस, दिस इज HI, इट्स 18th, ओके, सो 18th, लेट्स पुट HI एज ए एक्सेस, ठीक है, मैं हटा देता हूँ इधर का क्वेश्चन, इधर हमने कौन कौन से कर लिए, 8, 9, 10, 11, यहाँ तक कर लिया, हटा देता हूँ मैं क्वेश्चन। ओके, सो नाउ लुक एट 18th, 18th को सॉल्व करना बहुत, 18th अच्छा करके लाइएगा, कोशिश करिएगा करने की, 19th इज लाइक, इसे ही करिएगा, सेम क्वेश्चन, बहुत सेम है भाई, ठीक है, तो ये ईथर का क्लीवेज है, ईथर को हम तोड़ रहे थे बाय यूज ऑफ एसिडिक मीडियम HI, अच्छा इट्स नॉट ऑलवेज लाइक कि HI ही दिया जाएगा, इट माइट बी पॉसिबल कि आपको मैं ये दे दूं CH2, CH3 and it's HBr. Same concept. You have to proceed it with the same concept जो हमने पढ़ा है, उसी तरीके से आगे बढ़ना है, इसमें कोई भी टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है, किसी भी टेंशन को लेके आगे ना बढ़े। Okay, so this is again. Okay, so यहाँ थोड़ा सा वो कर रहे थे, कोल्ड HI एंड हॉट HI, चलिए, सो दीज आर द क्वेश्चंस, कुछ डिस्कस किए हैं, कुछ आपके होमवर्क के हैं, ओके, सो मैं ये सेगमेंट हटा रहा हूँ, ये आपको करके लाने है। अच्छा अच्छा, एक एक चीज बढ़िया तमीज से करना, बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है भाई साहब, 8-10 बार मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना, मैं हटा रहा हूँ इसे, इसी में मैं 8-10 क्वेश्चन और जोड़ना चाहता हूं, ईथर के को एसिडिक मीडियम में तोड़ा जा सकता है, ये साफ साफ समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया, तो मैं इस बात को नोट में लिख भी सकता हूं कि ईथर कैन बी क्लीव्ड ओनली इन एसिडिक कंडीशन, एसिडिक कंडीशन, केवल एसिडिक कंडीशन में ही वो लीविंग ग्रुप, उसका एक पार्ट लीविंग ग्रुप की तरह बिहेव करेगा और आप ये कर पाएंगे, ठीक है भाई। चलिए अब एक और तरीका है, भाई अभी आप क्या यूज कर रहे थे, लुक एट देयर वाज अ ईथर HI मिल रहा था आपको, इट वाज लाइक H+ एंड I-, ये मिला था और ये आपने कर लिया, ये आपको करना आ भी गया नाउ, बट अगर मैं इस I- को वाटर से रिप्लेस कर दूं, अगर मैं इस I- न्यूक्लियोफाइल को वाटर से रिप्लेस कर दूं, देखो H+ तो अभी भी है, तो ये ईथर तो आपका लिविंग ग्रुप तो बना ही देगा, नाउ द व्हाट इज द मेजर चेंज नाउ कि I- की जगह वाटर आ गया, I- अच्छा न्यूक्लियोफाइल था तो SN2 जहां तक हो सकता था SN2 करने का प्रयास करता था, बट वाटर वीक न्यूक्लियोफाइल है तो ये पॉसिबिलिटी SN1 की रखेगा, बस इतना फर्क है, टूटेगा यहां पर भी। सो मेरे भाई, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट शुड बी द हेडिंग फॉर दिस टॉपिक, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर, लिसिस का मतलब तो वैसे भी जानते हैं, तोड़ देते हैं हम सिग्मा बॉन्ड को, आओ बच्चों तुम्हें बताएं, H+ एंड वाटर क्या हो गया, बोलो H+ एंड वाटर क्या हो गया, H3O+, सो दिस इज योर ROR, ओके, नाउ it can be written as H3O+, okay, it can be written like dilute H2SO4, okay, it can be written like aqueous
एक्वस एससीएल, इट कैन बी रिटन लाइक एक्वस एससीएल जैसे भी लिख सकते हैं। सो ये सब सबका मतलब एक है। इवन और देसी होना है तो एच प्लस कॉमा वाटर, अब सेम ही तो है हर जगह, यही है वाटर एच प्लस, वाटर एच प्लस, वाटर एच प्लस, वाटर एच प्लस, इन सबका मतलब एक। भैया चार चार नहीं लेने हैं, कोई एक ले लो, सबका मतलब एक। तो मेरे भाई अगेन द सेम कॉन्सेप्ट वही लगने वाला है। अगर सिमेट्रिकल है तो नो इशू, हमें दो एल्कोहल मिलेंगे आर ओ एच एंड आर ओ एच, क्लियर। एंड इफ इट इज वॉट, बोलो बोलो बोलो, इफ इट इज नॉन सिमेट्रिकल, क्लियर, पुट ए 18 ओवर देयर, तो एक आएगा 18, एक में यही वाला ऑक्सीजन रहेगा और एक में इसका ऑक्सीजन जाएगा, यहां जो वाटर है उसका ऑक्सीजन जाएगा। आर ओ 18 आर, अगर ओ के दोनों तरफ सेम चीजें हैं तो हाइड्रोलिसिस पर एक तो 18 रहेगा और एक वाटर का जाएगा। सिमिलरली अगर ये अलग अलग हुआ तो अब आप देख सकते हैं कि अगेन दो केसेस हैं एंड इट वुड डिपेंड एक्चुअली आर ओ एच प्लस आर डैश ओ एच एंड वंस 18 विद आर, एंड सेकेंड केस क्या होगा बताइए 18 विथ डैश, इनमें से कोई एक सही होगा, इनमें से कोई एक सही होगा। तो ऑब्वियसली हम मैकेनिज्म जो करने जा रहे हैं हम वो आर ओ आर डैश की करते हैं, बहुत आसान है यार ये बहुत। तुम चलो तुम ही बताओ स्टार्ट, सबसे पहले H3O प्लस क्या करेगा, H प्लस देगा, और वो H प्लस कौन लेगा, ईथर लेगा, ऑब्वियस सी बात, ईथर। और ये H प्लस लेकर आपको पता है कि यहां क्या बन जाएगा, यहां लिविंग ग्रुप बन जाएगा, प्रोटोनेट होते ही लिविंग ग्रुप बन जाएगा। अच्छा जैसा कि आपको याद हो हमने क्लीवेज ऑफ ईथर में साइज में एक चीज मानी थी, लेट अस कंसीडर, याद आया आपको, लेट अस कंसीडर आर डैश ग्रेटर देन आर इन साइज, कौन सा छोटा कौन सा बड़ा, वो वाली बात है। मुझे एक बात बता दो, वाटर है वीक न्यूक्लियोफाइल, 1 डिग्री में फिक्स है SN2, 3 डिग्री में फिक्स है SN1, मैटर केवल 2 डिग्री का है, एंड वाटर बीइंग अ वीक न्यूक्लियोफाइल वुड प्रेफर व्हाट, SN1। मेरे भाई ये डिसोसिएट हो जाएगा और SN1 जो होता है तो बड़े वाले पर कैटायन आता है, एंड आई होप आप ये बात समझ पाए हैं, इसलिए यहां पर आपको मिलेगा आर डैश प्लस, आर डैश प्लस, एंड मैं इस ऑक्सीजन को 18 लगा ही लेता हूं तो आपको ब्रांडेड ब्रांडेड ऑक्सीजन मिला है छोटे वाले के साथ, ब्रांडेड मिला है छोटे वाले के साथ। नाउ जो वाटर आप लेके आए हैं वो अटैक करेगा डैश पे एंड यू वुड गेट व्हाट, SN1 है याद रखना, तो आजू भी OH, बाजू भी OH, अगर काइरल सेंटर है तो आप देखो आपको तीन आंसर मिल सकते हैं, आपको तीन आंसर मिल सकते हैं। ये देखिए SN1 है, बहुत क्लियरली सबको दिख गया ये SN1 है। अच्छा सोचो जरा, इसमें भी काइरल सेंटर है, इसमें भी काइरल सेंटर, मतलब मान लो ये काइरल सेंटर से डायरेक्ट जुड़ी हुई बॉन्ड है, ये वाली और ये वाली, तो क्या आप देख पा रहे हैं कि ये वाली काइरल सेंटर की बॉन्ड हमेशा वही रहेगी क्योंकि ये बॉन्ड कभी टूटी ही नहीं, ये देखें ये बॉन्ड यही वाली है, यानी कि छोटे वाले का कन्फिग्रेशन नहीं चेंज हो रहा है और बड़े वाले पर रिटेन्ड और इन्वर्टेड दोनों बन रहा है। तो इट्स अ वेरी इजी एंड वेरी प्रिसाइस रिएक्शन, बहुत ज़्यादा केस है ही नहीं यहाँ पर। सो नोट में हम केवल ये लिखेंगे कि ये क्या है, SN1 मैकेनिज्म। नाउ स्टार्ट इट, चलो क्वेश्चन कर लेते हैं, कुछ बहुत आसान है तो सीधा क्वेश्चन अपने घर ले जाओ आप। इट्स O3 डाइल्यूट H2SO4, ठीक है, सेकेंड ये 18, 1 डिग्री में SN2 होगा, टेंशन मत लेना, ये 18, ठीक है, और कर लेते हैं फोर्थ,
ओके सो आई थिंक लेट्स स्टार्ट इट विद पहला क्वेश्चन तो आसान है कि पहले क्वेश्चन में तुम कहीं भी करो मतलब वाटर वुड अटैक अगर इस कार्बन पे तो एक मिथाइल 18 के साथ जाएगा और एक सिंपल वाले उसके साथ जाएगा तो एक ब्रांडेड अल्कोहल होगा और एक देसी अल्कोहल होगा ठीक है. नाउ थिंक अबाउट सेकेंड क्लियर ये 18 लगा हुआ है क्लियर ये 18 है तो मेरे भाई आप देखिए SN ये SN2 वन डिग्री में SN2 ये भी वन डिग्री ये भी वन डिग्री तो यहाँ पर आएगा आपका बाहर वाला वाटर ये से टूटेगा तो इथेनॉल ब्रांडेड मिलेगा और ये अच्छा लुक एट थर्ड में यहाँ आपने प्रोटोनेट किया और SN1 होना है अब क्योंकि ये 2 डिग्री आ गया देखें 1 डिग्री है दोनों तरफ तब तो SN2 करना एक भी अगर 2 डिग्री या 3 डिग्री आ गया आप समझें इस बात को मैं क्या कह रहा हूँ वन डिग्री अगर SN1 की पॉसिबिलिटी है गो विद दैट SN1 ये SN1 है मतलब SN1 कब करोगे भाई 2 डिग्री 3 डिग्री तो फिक्स है ना SN1 1 डिग्री फिक्स है ना SN2 तो 2 डिग्री में मैंने SN1 लिखा मतलब 2 डिग्री में SN1 होगा सो इट वुड ब्रेक पहले प्रोटोनेट करोगे फिर SN1 होगा तो ये टूटेगा यहाँ प्लस बनेगा सो इसका आंसर मैं लिख देता हूँ इसका आंसर आएगा OH और इसका आंसर आएगा OH ये 18 तो बहुत आसान है दोस्तों बाकी क्वेश्चन आप कर लें मैं हटा रहा हूँ ओके छह क्वेश्चंस हैं इसमें कुछ और ले लो चाहो तो सेवेंथ वही पुरानी क्वेश्चन यार वही पुरानी क्वेश्चन 18 एट्थ को देखो सारे एट्थ को कर लोगे हाइड्रोलाइज एट्थ को हाइड्रोलाइज कर लोगे बुद्धि लगाओ लगाओ बुद्धि एट्थ को कर लोगे ओके हाँ याद रखना बहुत सिंपल है नहीं होगा हाइड्रोलाइज नहीं होगा ना ये बॉन्ड ब्रेक होगी ना ये ब्रेक होगी बिल्कुल सही है इनकी हाइड्रोलिसिस नहीं कर पाओगे आप कितना भी प्रयास कर लो ये हाइड्रोलाइज नहीं होने वाले ठीक है. अब एक क्वेश्चन और बढ़िया सा दे देता हूं. अच्छा हाइड्रोलिसिस इकलौती एक ऐसी रिएक्शन है इसमें एरो के ऊपर लिखा है हाइड्रोलिसिस या लिखा है डाइल्यूट H2SO4 या लिखा है एक्वस HCl ये बताने की जरूरत नहीं है कि वाटर एक्सेस में ये बताने की जरूरत नहीं है वाटर एक्सेस में हाइड्रोलिसिस में वाटर एक्सेस में होता ही है इसीलिए उल्टा होता है अगर हमें कहीं हाइड्रोलिसिस पूरी नहीं करानी है तो हम एरो के ऊपर लिखते हैं पार्शियल हाइड्रोलिसिस क्योंकि अगर हाइड्रोलिसिस है वर्ड है मतलब हाँ समझ रहे ना आप कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करते तो और क्वेश्चन कर लेते बेटा थोड़ा तमीज से करना है इसे कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी दे रहा हूं मैं इसमें डाई ईथर भी दिया है बस सेम तरीके से ही होंगे कॉन्सेप्ट में कोई बहुत ज्यादा वो नहीं है ये चीज आपने अभी बहुत ज्यादा देखी नहीं होगी एक ही कार्बन पर तीन ईथर एक ही कार्बन पर इसे ऑर्थो ईस्टर बोलते हैं ये कैटेगरी नाम है ये वो आर्थोमेटा पैरा वाला आर्थो नहीं है ये तो ऐसे ही लगा हुआ है ऑर्थो ईस्टर व्हाई दिस इज कॉल्ड ईस्टर व्हेन इट इज अ ईथर एक्चुअली सच काइंड ऑफ कंपाउंड कैन ओनली ऑब्टेन बाय ईस्टर आप इसकी हाइड्रोलिसिस करो तो पार्शियल हाइड्रोलिसिस पे ईस्टर बनता फिलहाल आपको पार्शियल फुल हाइड्रोलिसिस करनी ठीक है. सो इसमें कुछ स्टीरियो के क्वेश्चंस भी दे देते हैं लाइक MeHDO इधर है MeHET ये 18 डाइल्यूट H2SO4 मेरे ख्याल से आपको पता है एट्थ में कोई आंसर नहीं आएगा नाइन्थ में नहीं आएगा टेंथ में नहीं आएगा इलेवेंथ में नहीं आएगा इसमें कोई आंसर आना ही नहीं है
यू वुडंट गेट एनी आंसर। तो ये मैं हटा देता हूँ, ठीक है, कर लेंगे आप। 17th इज ऑड नंबर, तो एक क्वेश्चन और देता हूँ मैं आपको। 18th, मेरे भाई याद रखना, कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है बनाकर, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन बनाकर पूछा जा सकता है, तो आपको बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट सेम है, ठीक है, हटा रहा हूँ मैं, सारे करना, मजा आएगा, बहुत अच्छे क्वेश्चन। ओके, सो वी जस्ट फिनिश्ड सब्स्टिट्यूशन, हर तरीके से खत्म कर लिया है हमने, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर, क्लीवेज ऑफ ईथर, ये दो सेगमेंट जो है इन्हें भी हमने लास्ट में कर लिया, हटा रहा हूं।